तो गाइस ये है हमारा अगला प्रोजेक्ट। ये बेसिकली गाड़ी हमको मिली हुई है मारुति वैन, मारुति ओमनी MPFI इंजन के साथ में है, और अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक में। तो जैसा कि हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं पहले गाड़ी के बारे में, गाड़ी बिल्कुल चालू है अभी, हम इसमें सामान लोड करेंगे और इस गाड़ी को लेके जाएंगे। जी सर, तो वैसे इंजन डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी जो सीट है उन सबको अभी अलग कर दिया है। फ्रंट ड्राइवर को ड्राइवर सीट भी अलग हो गई है, अब पीछे की जो पैसेंजर सीट है उसको अलग करना है। उसके बाद में हमारे पास में फ्लोर बिल्कुल खाली होगा इंजन को डिसमाउंट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ और है कि इसमें भी पेट्रोल भी है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि पेट्रोल टैंक को भी पेट्रोल के साथ में अलग करना है। तो ऐसा इंजन रिमूवल में काफ़ी कुछ चीज़ें हमने कूलेंट वगैरह सब निकाल दिया था, बट इस गाड़ी में पेट्रोल बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जब हमने शुरू किया था तब हाफ टैंक से भी ज़्यादा था, अब ये हाफ से कम हो गया है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने इसकी जो इंजेक्टर वाली जो सप्लाई है उसको यहाँ से निकाल दिया है इस जगह से, और इसको पेट्रोल टैंक, ये एक हमारे पास में एम्प्टी कैन थी, यहाँ तक हमने भर भी दी है। पेट्रोल निकालने की सबसे सेफ प्रोसीजर ये है कि आप इस चाबी को बंद कीजिए और चालू कीजिए 2 से 3 सेकंड के लिए। यहाँ पर पेट्रोल सप्लाई जो है चालू होती है, आप देख सकते हैं, ऐसा कंटिन्यूसली आपको करना है जब तक ये पेट्रोल खाली ना हो जाए। तो गाइस लगभग आधा घंटा बीत चुका है हमको कम ज़्यादा बस चाबी को बंद चालू करते हुए, देखिए, और अब पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो कैन है वो ऑलमोस्ट लगभग 20 लीटर की कैन है, और 20 में से लगभग आधी ये भर चुकी है, 15-1 लीटर के या 10-12 लीटर के आसपास। और अगर पेट्रोल टैंक की बात की जाए तो ये भी अब ई पे पहुँच गया है। अब इसमें जैसे ही बुलबुले आना शुरू होंगे हम इसको बंद करके हमारा बाकी डिसमेंटलिंग का काम शुरू करेंगे। बेसिकली देखिए यहाँ पर प्रिकॉशनरी किसी भी गाड़ी में से पेट्रोल या डीजल अगर है तो फ्लेमेबल जो भी मटेरियल होता है उसको निकालना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ कभी कभी एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है कि स्पार्क आने की वजह से आग लग सकती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहली स्टेप यही होती है, जैसा कि हम अपनी सभी वीडियो में बताते भी हैं। तो चलिए अब ये पेट्रोल टैंक पेट्रोल निकालने के बाद में बाकी वापस इंजन पे आते हैं। तो गाइस लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है इंजन डिसमाउंटिंग करने में। सेल्फ के साथ में हमने रेडिएटर वगैरह भी निकाल लिया है, और अभी फ़िलहाल हम साइलेंसर की जो आउटलेट है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कल रात में काफ़ी सर्दी थी, और इस सर्द में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम किया नहीं सर्दी में, तो वापस आ गए हैं। आज सुबह दूसरा दिन है और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट हाफ में इंजन पूरी तरीके से निकाल दें, आप देख सकते हैं। तो वैसे ये इंजन जो है काफ़ी मुश्किलों से अलग कर लिया हमने, और इसमें से जो ज़रूरी चीज़ थी वो थी इसकी क्लच प्लेट और जो फाउंडेशन था वो, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें से निकाल ली है। अब यहाँ पे जो है गियर बॉक्स माउंटिंग प्लेट यही लगा दो, नहीं तो कूलेंट, इसके जो छेद थे वो थोड़े से छोटे हो रहे थे, तो हमने 15 mm डाई के साथ में करवा लिया है, तो वो बराबरी से अब आ गया है। अब ये जो गियर बॉक्स है इसमें हम इसको फिट करना है, फिर उसके बाद में मोटर माउंटिंग की प्रोसेस करेंगे। तो ये गाइस इसकी इंजन बे पूरी खाली हो गई है, अभी इसमें अपने को मोटर की जो माउंटिंग है उस प्लेट के साथ में करनी है। वही सबसे पहले मोटर को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा पूरा मटेरियल हमने वर्कशॉप में एक तरफ रखा हुआ है, इसमें उसमें से अब हमने ये मोटर को अनबॉक्स कर लिया है। मोटर के साथ में बेसिकली हमको ये इसकी वायरिंग वगैरह और सारे नट बोल्ट थे तो वो हमने अंदर की तरफ फ़िलहाल डाल दिए हैं। अब ये जो हमने क्लच निकाला है क्लच प्लेट में, बेसिकली एक कपलर दिया हुआ है जो गियर बॉक्स की शाफ्ट के साथ में जुड़ता है।
तो यहाँ पर ये हमारी क्लच प्लेट इंजन से हमने रिट्रीव की है, और ये रहा मोटर के साथ वाला कपलर। अब हमें करना ये है कि इस कपलर को क्लच प्लेट के इस हाउसिंग के साथ में वेल्ड कर देना है। बराबरी से लेथ मशीन पे ये काम करवाएंगे ताकि किसी भी तरीके का प्ले या फिर मोमेंट इसमें ना हो, क्योंकि ज़रा सा भी होता है तो गाड़ी की वर्किंग में काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो सकती है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो इस मोटर के बाद में अब जो अगली चीज़ होती है वो है हमारी बैटरी ट्रे है, जो आप देख सकते हैं कि इसमें वैसे पीछे काफ़ी अच्छी जगह इस गाड़ी में होती है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बैटरी ट्रे बनाने का सोच रहे हैं। हमने ये जो वुडन फ्रेम है ये तैयार किया है, और इस तरीके से 20 सेल हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं और 20 सेल यहाँ पे इस रो में लगाने वाले हैं। टोटल 40 सेल होंगे, 90 एच का एक सेल है, 188 60 वोल्ट के आसपास यहाँ पावर बनेगी, और इस पावर को हम लेके जाने वाले हैं आगे की तरफ सीट के नीचे से, और वहाँ जो मोटर लगेगी हमारी उसके बाजू में सामने की तरफ हम कंट्रोलर रखेंगे ताकि हवा से वो ठंडा होता रहे, एडिशनल कूलिंग की हमें ज़रूरत ना पड़े, तो सामने की तरफ रखने वाले हैं। बीच में हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगाने वाले हैं इसी तरफ, और बाकी जो कनेक्शन होंगे वो इसके इग्निशन स्विच से होंगे। तो चलिए फ़िलहाल अभी बैटरी ट्रे कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमको इसमें वजन बढ़ाएं उससे पहले हमको इसका पेट्रोल टैंक में चार्जिंग सॉकेट वाला सिस्टम करना है, इसलिए पेट्रोल टैंक हमको निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद में हम इसमें साइलेंसर भी इसका निकालने वाले हैं। तो चलिए ये वाला काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बैटरी का काम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम व्हील घुमा रहे हैं और वहाँ पे चाप कर दी, घुमाते घुमाते शाफ्ट काटने से बिल्कुल बराबरी से कट जाती है, ये देखिए। तो गाइस आज मारुति वैन का दूसरा दिन है, और अभी तक की प्रोग्रेस ये है कि हमने पीछे बैटरी ट्रे बना ली है, वुडन बॉक्स की बनाई है। सब लोग इस बात पे थोड़ा सा डर रहे थे कि बैटरी आग ये वो बहुत नेगेटिविटी थी, बट फिर भी ये एक सबसे अच्छा इंसुलेशन होता है बैटरीज़ के लिए, और ये फ़िलहाल हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही साथ ये जो चार्जिंग सॉकेट के जो वायर हैं यहाँ पर हमने चार्जिंग सॉकेट इंस्टॉल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये 220 वोल्ट का इनपुट यहाँ से हम लोग देने वाले हैं, और इसकी जो केबल है वो हमारे पास में यहाँ स्टोर में 16 एम्पियर का सॉकेट दिया हुआ है, और ये उसका पिन दिया हुआ है, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं उसमें। इसके अलावा यहाँ मोटर माउंटिंग की बात करें तो देखिए गियर बॉक्स की प्लेट को हमने इसमें कस दिया है, मोटर भी लगा दी है, और जो कपलर हमने बनाया था वो भी प्रॉपर तरीके से बना के जैसे अपने मारुति जन की वीडियो में भी देखा होगा यहाँ पे लगा दिया, और अब जो है मोटर प्रॉपर घूम रही है बिना किसी आवाज़ बिना किसी साउंड के। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम सबसे पहले ये करेंगे कि मोटर को एक बार चला के देखेंगे, डिफरेंशियल को हमने ऊपर रखा हुआ है, बट अब क्योंकि जम्मू में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है तो 8 के बाद में काम करना बहुत ही कान बिल्कुल ठंडे जमे जा रहे हैं, तो अभी आज के लिए फ़िलहाल ये वाला काम हमने किया है, मिलते हैं सुबह। तो इस तीसरा दिन है, चार्जिंग सॉकेट कल रात में हमने लगा लिया था, और बैटरी पैक की अगर बात करें तो बैटरी पैक भी लगभग पूरी तरीके से अभी हमने जमा लिया है, ये देखिए पूरे, अभी ये 180 एच का बैटरी पैक है, 90 एच का सेल है, 40 सेल हैं, हालांकि अभी 4 सेल के लिए हमको अलग से सिस्टम लगाना है क्योंकि ये भी कुल मिला के 36 ही हो पाए हैं, तो अभी इसके लिए हम ऊपर ये जो कवरिंग दिख रही थी इसको वायरिंग करने के बाद में इसे कवर कर देंगे कुछ इस तरीके से, और 4 सेल का छोटा बैंक यहाँ पे लगाएंगे, और जो हमारे पास में 40 एएच का एक और ऑक्सिलरी बैटरी पैक रखा हुआ उसको हम फ्रंट सीट के पीछे करेंगे, लेकिन सुबह से ही एक ग्लिच इसमें आ गया था, फिर
लाइट तो गया, बहुत लाइट करती है। तो ये गाइस हमारा सेकंड जो फाउंडेशन है, एक्चुअली ये थर्ड है, दो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब आइए इसकी भी माउंटिंग देख लेते हैं। एक माउंटिंग जो है गियरबॉक्स के एंड पे वहाँ ड्राइव शाफ्ट के पास में ऑलरेडी रहती है। एक हमने यहाँ पे इसको वेल्ड करके एक को यहाँ जोड़ा, और जो तीसरी वाली हम लोग बना रहे हैं वो यहाँ से इस वाली प्लेट में वेल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से जो तीन का जो ट्रायंगल है फाउंडेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मोटर को अलग से सपोर्ट देना है नहीं देना ये बाद में देखेंगे, पर क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर मोटर या इंजन भी केवल दो ही पे टिका होता है, तो इसलिए मोटर भी हम लोग कोशिश करेंगे। और एग्जैक्टली मोटर में भी कोई ऐसा बेस या फाउंडेशन दिया नहीं है, केवल यहाँ पे जो जो प्लेट है उस पे चार नट बोल्ट के सहारे वो टिकी हुई है। गाइस हमने जो पूरी प्लेट थी इसको दोबारा से खोल के और जो वेल्डिंग थी प्रॉपर की है सभी तरफ, पूरा जॉब गर्म हो रहा है, बहुत तगड़े से वेल्डिंग हुई है। ये देखिए और अब हम इसमें फाइनली हल्का हल्का जो पेंट अब जहाँ जहाँ पे वेल्डिंग हो चुकी है वहाँ वहाँ पे पेंट हम मारने वाले हैं, और उसके बाद फाइनली इसको फिट करेंगे। अभी तक तो टेस्टिंग पर्पज़ से हमने किया, जब सब कुछ ठीक हो गया तभी फिर से इसको निकाला और जो वेल्डिंग थी उसको परमानेंट किया। तो हमने ये जो तीसरा फाउंडेशन था उसको भी जोड़ दिया है, पीला दे दो। अब उसके बाद में हम लोग जो मोटर की जो सिक्स फेज की लाइन है उसको लगा रहे हैं। गाइस हमने जो मोटर है उसको माउंट करने के बाद में भी जो कंट्रोलर है टेम्प्रेरी इसके वायर जोड़ दिए थे, और इसको हमने जोड़ा है 5 एम्पियर 60 वोल्ट की सप्लाई से। हालांकि ये सप्लाई बहुत कम है इसको चलाने के लिए, लेकिन फिलहाल एक टेस्ट रन के हिसाब से हमने किया है। साथ ही साथ हमने जो थ्रॉटल है और यहाँ पर जो 1 2 3 और जो रिवर्स ड्राइव न्यूट्रल है, चलो अभी फ़िलहाल ड्राइव पर हम करते हैं। और अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ। अब ये जो आवाज़ आ रही है ये मोटर के रोटेट होने की आ रही है। अब चलिए इसको जो व्हील है उसको भी देख लेते हैं। हाँ संदीप भैया, हाँ बस ठीक है, हाँ वहीं से रिवर्स करके देख लीजिए। एक रिवर्स तो अपन गियर से भी कर सकते हैं। हाँ तो बस ये रिवर्स और फॉरवर्ड हो गया। अब अगर गियर का ऑपरेशन हमको देखना है तो सेम स्पीड पे हम गियर को भी चेक कर सकते हैं। बट अब जी ये सारी चीज़ें जब अगर काम करें तो वो सब भी काम करेगा, हम ऐसा मानते हैं। फिलहाल आज ये तीसरा दिन था हमारा, और तीसरे दिन में हमने बैटरी पैक को तो इंस्टॉल कर ही लिया था, मतलब अभी इसकी वायरिंग बाकी है। बाकी मोटर की जो टेस्टिंग थी वो हमने कर ली है, और अब इसके बाद में कल हम लोग इसके कंट्रोलर की वायरिंग को फाइनल करेंगे। और जो डैशबोर्ड पर हमें
ये जो सिस्टम लगाना है, अभी एसओसी हमने चालू नहीं किया, एसओसी के वायरिंग हम करेंगे इग्निशन से, पर वो सब मॉर्निंग में है। जी सभी को सुबह की राम राम। और यहाँ पर एमसीबी वगैरह लगा ली थी, चार्जिंग सॉकेट के वायर को बाहर निकाल लिया था, और कल रात में जो सबसे आखिरी काम था हमारा, हमने मोटर के मोमेंटम को भी चेक कर लिया था। उसके बाद में हमने कंट्रोलर को देखिए इस तरीके से लगाया है ताकि एक नेचुरल वेंटिलेशन इसको ठंडा रखे। मोटर को तो डायरेक्ट ठंडक मिलेगी ही मिलेगी सीधे सीधे चलने पर, तो इन दोनों पर जो एक स्पीड का जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी आएगा। अब हम इसकी वायरिंग को फाइनल करने वाले हैं, उसके बाद में यहाँ थ्रॉटल हम लोग यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था। तो आइए थ्रॉटल कंट्रोलर की वायरिंग और जो डैशबोर्ड पे मॉनिटर करने के लिए या जो स्विचेस ऑपरेट करने के लिए हम लगाने वाले हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो भी इसमें फिक्स कर लेते हैं और फिर गाड़ी को जैक से उतार के एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी जो वैन थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बैटरी पैक की अगर बात करें तो हमने छोटे बैटरी पैक से गाड़ी को लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलाया था और गाड़ी बढ़िया चली थी। इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं जो ऊपर वीडियो आ रहा है, छोटा है, व्हाट्सएप स्टेटस वाला है। शुरू में बता दें IIT जम्मू की ओमनी वैन आती हुई सक्सेसफुल। अब LED भी साथ ही साथ हमने जो इसकी फ्रंट हेडलाइट की LED थी वो चेंज कर ली है। अब जो बाकी LEDs हैं इंडिकेटर वाली, आइए उनको भी कन्वर्ट मतलब चेंज कर लेते हैं। और साथ ही साथ अब जो बैटरी मेन बैटरी पैक है ऑक्सिलरी बैटरी पैक से तो हमने गाड़ी को टेस्ट कर लिया है, चला ली थी। जो मेन बैटरी पैक है अब उसकी असेंबलिंग शुरू हो गई है, सारे कनेक्टर वगैरह सब हमने लगा दिए हैं। अब ये जो 2-4 सेलों की जो जगह बच रही थी उसके लिए हमने एक ये जगह डिसाइड की है और एक ये जगह, यहाँ पर इस बॉक्स को लगा के इन को भी हम लोग फिट करने वाले हैं। चलिए पहले LEDs में लगा लेते हैं। और MCB की बात की जाए तो MCB बॉक्स को जिस तरीके से हमने यूज़ किया है, टोटल 40-40 एम्पियर की 4 MCB हैं, इस हिसाब से 160 AH तक की सप्लाई ये हैंडल कर सकती है। तो गाइस LED के कनेक्शन भी हमने कर लिए हैं, ये रहा ड्राइवर साइड का LED इंडिकेटर और ये रहा राइट साइड का इंडिकेटर। अब आइए टेन लाइट और ब्रेक लाइट चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये है ब्रेक और हेडलाइट ऑन कर दीजिए सर ब्रेक दबाए बिना, और ये रही गाइस इसकी टेन लाइट, ब्रेक दबाने से तो वो करती है, ठीक है सर। तो गाइस ये पीछे वाला जो सिस्टम था LED में पूरा कन्वर्ट हो गया। अब आइए आगे का देख लेते हैं। तो गाइस हमारी जो मारुति ओमनी थी वो लगभग तैयार हो चुकी है, अभी एक्टिव क्लाइजर बस इंस्टॉलेशन और चार्जिंग जो सिस्टम था उसको एक्टिवेट करना बाकी है। बाकी आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम काम करने लगा है, गाड़ी हमारी चालू है और हम हैं IIT जम्मू के बैक साइड में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्लोप है, बहुत ज़्यादा देखिए हमको वो सामने शेड पे जाना है और बमुश्किल 100 मीटर है और लगभग 10 से 10-1 मीटर के आसपास का एलिवेशन होगा। तो आइए इसको चेक करते हैं ये प्रॉपर स्पीड के साथ में चलती है नहीं। तो गाइस ये हमारी बैटरी पैक कंप्लीट हो गया था, अभी सुबह हमने टेस्ट भी किया इसको। अब यहाँ पर ये एक एक्टिव बैलेंसर सर्किट होता है, नी कंपनी का है, चाइनीज़ है। इसमें आप 72 वोल्ट तक की जो बैटरी होती हैं, 24 सीरीज तक की जो सेल हैं उनको बैलेंस आप कर सकते हैं। बेसिकली ये एक कैपेसिटर बेस्ड बैलेंसर होता है, एक्टिव बैलेंसर बोलते हैं। जब आप इसको चार्ज करें या ना करें ये एक्टिवली जो भी अगर कोई सेल वीक हो रहा है या फिर कोई ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसके करंट को बाकी दूसरों में सप्लाई करके उसको बैलेंस रखता है बैटरी के वोल्टेज को, जिससे हमको ऑप्टिमम माइलेज और एफिशिएंसी मिलती है। तो अभी हमने कनेक्शन करना शुरू किया है और 24 में से हम 20 का ही इसमें यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये 72 वोल्ट तक का है, हमारी जो बैटरी है ये 60 वोल्ट की है। भाई जी पीछे का बैटरी पैक कंप्लीट हो गया, ये रहा ऑक्सिलरी बैटरी पैक, ये मेन बैटरी पैक की MCB, ये एक्टिव बैलेंसर,
ये इन दोनों के लिए मैनुअली ऑपरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये मेन चार्जर, ये ऑक्सिलरी बैटरी का चार्जर, और ये जो चार्जिंग सॉकेट हम लगा चुके हैं जो कि पेट्रोल टैंक वाली जगह पे ही है, इसमें मेन कॉर्ड लगा के और इसकी जो चार्जिंग है उसको चेक कर लेते हैं। गाइस कुछ इस तरीके से हमारी जो पूरी गाड़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरीके से हमने मटेरियल को एडजस्ट कर दिया है, यहाँ पे दोनों चार्जर को कस दिया है, ये एक्टिव इक्वलाइजर भी हमने यहाँ पे फिट कर दिया है, दोनों बोर्ड यहाँ पे हैं, ऑक्सिलरी बैटरी भी यहाँ पे फिट हमने कर दी है, और मेन बैटरी पैक के लिए जो स्विच ओवर सर्किट है, MCB है, ये सब भी यहाँ पर हमने फिट कर दिया है। अगर आगे की बात करें तो आगे का जो सिस्टम है बिल्कुल एज इट इज़ ही है, इसमें केवल गियर लीवर अब काम करता है, बाकी क्लच का कोई यूज़ नहीं है। बाकी यहाँ पर इसके मेन ऑपरेशंस ऑपरेटिव दिए हुए हैं, ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स और 1, 2, 3, और यहाँ पर SOC दिया हुआ है। अभी गाड़ी जब हम चालू करेंगे और टेस्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग करने वाले हैं कि बैटरी को हमने चार्जिंग पर लगाया और फुल चार्ज होने के बाद में इसका जो रेंज टेस्ट है वो करेंगे। यहाँ पर ये चार्जिंग सॉकेट है, कुछ तरीके से अभी चार्ज हो रही है बैटरी। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का लोगो लगा दिया है। पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पीछे भी हमने ये देखिए ओमिनी ई ज़ीरो एमिशन की बैचिंग, ये सब हमने अपने तरफ से इसमें लगवा दिया है। और अब अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग हमारे पास में है कुछ 66,847.7। अब देखते हैं ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पे कितने किलोमीटर तक चलती है। हमको इसके SOC के हिसाब से 52 वोल्ट तक हम इस गाड़ी को चला सकते हैं। 60 वोल्ट का इसका बैटरी पैक है, 67 वोल्ट पे भी है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके माइलेज टेस्ट की। तो कैसा कल शाम को 847 किलोमीटर हमने शुरुआत की थी और अभी 862 यानी कि लगभग 15 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। और अगर इसके SOC की अगर बात की जाए तो अभी ये है लगभग 65 पे, मतलब 2 वोल्ट का डिफरेंस आया है। और 2 वोल्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 20% के आसपास बैटरी डाउन हुई है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मोटे तौर पे कैलकुलेट करें तो लगभग 100 के आसपास इसका माइलेज निकल सकता है। बट चूँकि अभी हम बहुत लंबा इससे गए नहीं हैं तो कैंपस में इस टाइप के जो बहुत स्टीप हिल हैं इन्हीं सब रास्तों पर भी ये चल रही है। ओवरऑल जब इसको एक लंबे रूट पर टेस्ट करेंगे तो रिज़ल्ट और अच्छे मिल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये IIT जम्मू की जो इलेक्ट्रिक जो मारुति वैन थी उसका EV में कन्वर्जन? आप अपने कमेंट और विचार हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई गाड़ी है जिसको आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपनी कन्वर्जन किट को सेट करके इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे नए नए वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। कोई मेजर प्रोजेक्ट हो आपके कॉलेज का या अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इस टाइप के इनोवेटिव काम या इनोवेटिव जो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है वो भी तैयार कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।